क्या बात है। बट हमें चलना है भाई। क्या हो गया था एकदम से? देख तो लो मौसम खतरनाक यार। क्या हाल चाल भाई लोगो, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक्स एंड बूट्स, दिस इज ऋषभ। सो फाइनली आज एक टेस्टिंग हमारी राइड की तैयारी बेला के साथ। कैमरा वगैरह सेट कर लेते हैं एक बारी। आज एक ऑफ रोडिंग पैच पे अपनी बेला की भी टेस्टिंग और हमारे नए व्लॉगिंग सेटअप की भी टेस्टिंग। बताना भाई लोगों कैसा व्यू आ रहा है, सही है क्या नहीं है। बाकी इस लोकेशन के बारे में बताऊंगा बहुत जल्दी भाई लोगों को। बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही छोटा सा ट्रेल है, प्यारा सा ऑफ रोड और बहुत ही सुंदर लगा। मतलब ये देख लो, बहुत ही पीसफुल जगह, पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है यहाँ पे। ओल्ड स्कूल इस पहाड़ों के बीच में से रास्ता। बाकी भाई लोग को जैसे भी आप लोग राइड करो प्लीज अवे फुल गेयर्स, सब कुछ, फुल फेस हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, एवरीथिंग लेके चलो। व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप? यस, छोटा मोटा पैच है बट अच्छा है। और मौसम भी काफी ऑसम हो रखा है यहाँ पे। मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ हिसाब किताब। यहाँ पे माउंटिंग वगैरह लगा के पूरे, जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैंने अपने GoPro पे सेटअप किया था पूरे माउंट का, माउंट कैमरा सब कुछ, उसी सेटअप के साथ आज लेके निकला हूँ इसको कि देखते हैं माइक कैसे परफॉर्म कर रहा है, GoPro कैसे परफॉर्म कर रहा है, GoPro का माउंट कैसे परफॉर्म कर रहा है कुछ। इसलिए ऑफ रोडिंग पर भी लेकर आया हूँ कि अगर ऑफ रोडिंग पर इनकेस हिलता है या टूटने का डर होता है तो अभी पता चल जाए, कल को कहीं लॉन्ग रूट पे जाओ और वहाँ पे दिक्कत आ जाए तो फिर दिक्कत है। तो ऑफ रोडिंग की भी टेस्टिंग हो जाएगी, प्लेन रोड की भी टेस्टिंग हो जाएगी, तो ओवरऑल अच्छे से टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे इसकी इस बार। और बेला की टेस्टिंग तो ऑब्वियसली बोलने की ज़रूरत ही नहीं है बेला के लिए तो। बहुत प्यारा भी, मतलब सुबह सुबह में आपका पूरा फॉग, पूरे क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं, मतलब पैरों की तरफ पूरे, मतलब भयंकर जन्नत है यार। अपना डेली लाइफ के स्ट्रेस से बाहर निकल के आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, क्या बात है। हर संडे यहाँ पे राइड्स आपको राइडर्स मिल ही जाएंगे, ऊपर चार दुकान पे मैगी। और ये है हमारी आज की रोड, पहाड़ रोड, फॉग, मतलब यहाँ पे कुछ किसी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फीलिंग है यहाँ की, इस जगह की, मतलब आप सिर्फ आओ और वो चीज़ फील कर सकते हो। मतलब मैं इस टाइम पे जो फील कर पा रहा हूँ मैं शायद कैमरे में ना बता पाऊँ, वो चीज़ ना शेयर करूँ, बट जो सुकून मिलता है यहाँ पे आके, शांति मिलती है, वो चीज़ नहीं है हमारी सिटीज़ में। वो रोज़ की चैचे पैपे से ऊपर उठ के आके यहीं बैठ जाओ बस थोड़ी देर शांति में। भाई वी इन द मोमेंट, मतलब अच्छा है यार। सुबह फिलहाल तो इस टाइम पे आ गया, कुछ खुला नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ उठ के। इतनी एक्साइटमेंट में कि भाई भाई लोगों के लिए टेस्टिंग करनी है तो फाइनली आज टाइम निकाल के तो आना ही था। बट भाई लोगों सीरियसली रियली थैंकफुल कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो वीडियोस को लेके, हर चीज़, मतलब कमेंट्स भी इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं तो यार मोटिवेशन तो ऑब्वियसली बहुत मक्खन वाला मिल ही रहा है। भयंकर ऐसे कमेंट करते रहिए यार, मोटिवेशन मिलता रहेगा आपका। मतलब भाई कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहेगा आपको, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझो। भाई लोग किसी का है प्लान अब बनता है कि राइड पे जो आ सकते हैं अपने डेली लाइफ से वक्त निकाल के, तो फॉर श्योर सबके लिए इन्वाइटेड है। उस राइड्स के व्लॉग्स, उस जगह की व्यू, अभी तो फिलहाल इस जगह के व्यू के आप नज़ारे लीजिए यार, यार कितनी क्यूट है। तो मज़े करते रहिए लाइफ में, काम करो, मज़े करो, एंजॉय करो अपने हर एक मोमेंट को। बट यार हर चीज़ को हटा के ना अपने थोड़ा सा वक्त निकालो, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो अपनी हेल्थ के लिए, अपने ब्रेन के लिए कि दिमाग शांत रहे, काम करे सही से,
नहीं तो इंसान स्ट्रेस में पता नहीं, मतलब यार मेरा मन नहीं कर रहा कि भाई कि कैमरा बंद करूं और आगे जाके शूट करूं, नहीं यार मैं चलने दो बस, पूरे टाइम ऐसे ही चलने दो उसको। मतलब अगर मेरे पास कुछ वर्ड्स भी नहीं होते बोलने को तो मतलब ये है कि बस आप लोगों से बात करने के लिए पता नहीं चीज़ें आती रहती है अपने आप दिमाग में। बहुत प्यारा व्यू है यार, खाली रोड ऊपर से सुबह के टाइम, तो आप लोगों को पता ही कोई होता नहीं इतना। भाई लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे माउंटेन्स में, आप लोग के लिए जस्ट एक सिंपल मैसेज है यार, यहाँ पे रैश मत चलाइए, क्योंकि देखिए रोड गीली रहती है ना, तो आपकी बाइक के स्लिप होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगर लीनिंग मत करिए फिलहाल, नॉर्मली चलाइए, अपनी 40-50 की स्पीड रखो, बट इतना कि आप लोग कंट्रोल कर सको गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होती है, कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसी चीज़ की है, रोड गीली है तो स्लिप मार जाती है गाड़ी अगर आप ज़्यादा लीन करते हो तो। यह है हमारी यहाँ की झील, मसूरी की झील, खाली है फिलहाल तो। एंड मौसम खतरनाक यार, खतरनाक, मतलब एक नंबर मौसम है यार, एक नंबर। इस टाइम के जो व्यू होते हैं ना यार, बहुत ही कम लोग इसे देख पाते हैं, तो भाई लोगों इनके सिर्फ इसको सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो देखो, आपको मतलब पता चल जाएगा लोग जो सुबह सुबह उठ के राइड्स पर जाते हैं किस लिए जाते हैं, आप लोगों को फील हो जाएगा। भैया दरवाजा खुला, दरवाजा, ये देखो बहुत गलत ओवरटेक, तो कॉर्नरिंग पे यार, अब कॉर्नरिंग में जब गाड़ी है तो उसे ओवरटेक मत करे यार, कुछ नहीं पता कब कोई भिड़ जाए। एक्चुअली पहाड़ काफी वीक हो चुका है, काफी ज्यादा वीक, ये आए दिन गिरता रहता है, ये देखिए पूरा क्रिया। अभी तो चलो टचवुड बेस्ट सही है अपने, जो हमेशा एक ये होता है, एक इसके आगे भी है पहाड़, तो मोस्टली सेफ लेना यार, आते हो तो थोड़ा सा देख के आया करो। पहाड़ कितना ह्यूज लग रहा है, वो ऊपर पूरा फॉग से कवर है, एंड बहुत प्यारा भी है इतने वक्त के बाद। भाई लोग भुट्टे खाए हुए भुट्टे एक ये भी आया था, ये भी आया था। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये था कि टेस्टिंग कैसे करनी है, आप अपने बाइक को अटैच करके एक बार प्रॉपरली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट कीजिएगा, गोप्रो की वीडियो, माउंट की इंस्टॉलेशन की हर चीज़ की वीडियो, आप एक बार प्रॉपरली चेक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जितने वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पे आती रहेंगी जब जब मैं अपडेट करता रहूँगा वीडियोस को। एंड इजी है आपकी माइक ये टेस्टिंग वगैरह, टेस्टिंग ऐसे कि आप आराम से अटैच करके कंफर्टेबली आप राइड करके जाइए, एक बार राइड करके आओ, अपने माउंट को और कैमरे को पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, क्योंकि जिसमें आपका बाइक का व्यू, बाहर का व्यू भी एक तरीके से आए, ऐसा ना हो कि आपका पूरा कैमरा ही नीचे रह जाए या पूरा कैमरा ही ऊपर हो जाए, तो वो फोकस भी वो तब वो थोड़ा सा वैसे भी ख़राब लगता, थोड़ा सा बाइक रहे, थोड़ा सा व्यू रहे, आपके एक्शंस सामने आते रहे हो तो आ ही जाएंगे, कुछ मुँह के आगे है तो हाथ वगैरह दिख ही जाते हैं। सो बेसिक एक ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ की अगर आप राइड कर रहे हो, कहीं जा रहे हो टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो पहले से ही प्रॉपरली सेट कर लो, क्योंकि चलते चलते आप माइक वगैरह ऐसे सेट मत करो, या अगर अकेली कहीं जगह पे हो जहाँ पे रश नहीं है तो आप हल्का सा कर लीजिए रोक के, बट चलती बाइक में मत करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डर रहता है एक्सीडेंट्स वगैरह के, कभी डिसबैलेंस हो जाता है बाइक या कुछ भी, कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले एडजस्ट कर लिया था इसको बाइक स्टार्ट करने से पहले, जब कोल्ड स्टार्ट पे थी बाइक मेरे, तब मैंने ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर लिया था, जो मुझे लगा था कि हाँ एडजस्टमेंट इसका थोड़ा बहुत हिला हुआ है ऊपर नीचे, वो माइन्यूट सा एडजस्टमेंट था, मैंने कर लिया है। रेस्ट, बी सेफ, राइड सेफ, एंड मेरी वीडियो जैसे जैसे आपको अच्छी लग रही हैं, कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ऑटोमोबाइल की लाता रहूँ। सो मोस्टली बने रहेगा मेरे चैनल पर, एंड मेरे को, मेरी चीज़ों को, मेरे राइट्स को, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी इंस्टाग्राम ID आपको दिख जाएगी यहीं पे स्क्रीन पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, DM कर सकते हैं। एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ,
Till then, bye bye, take care. Ride safe with all your gears and boots with bikes and boots. Take care, see ya, bye bye.